महाराष्ट्र के सुपर कॉप के एक कदम ने आज सबको चौंका दिया। कुछ देर पहले आई इस खबर ने सबको दुख और हैरानी में डाल दिया। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रहे हिमांशु रॉय ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हिमांशु रॉय ने अपने सरकारी आवास में मुंह में रिवॉल्वर रखकर खुद को गोली मारी। हिमांशु रॉय ने आज अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, अस्पताल में मृत घोषित किया गया। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस में एडीजी थे हिमांशु, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, जेडे मर्डर केस सहित कई अहम केस की जांच कर चुके हैं। हिमांशु रॉय पिछले कई महीनों से बहुत बीमार थे, ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। 2016 से बीमार हिमांशु रॉय को कम दबाव वाला पद दिया गया था, वो छुट्टी पर थे। हिमांशु रॉय की खुदकुशी की वजह फिलहाल उनकी बीमारी को माना जा रहा है। हिमांशु रॉय पिछले कई महीनों से बहुत बीमार थे, बीमारी को ही उनकी आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुख्ता वजह साफ नहीं है। हिमांशु रॉय के पार्थिव शरीर को बॉम्बे अस्पताल में रखा गया है। It's a very big loss. I would say it's a loss to the service. I'm not thinking in those terms. I'm thinking more from the human angle.